तीन मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड के लिए दो मुश्किल मैच रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में हार के जबड़े से जीत छीन ली। 233 का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया 44/5 पर था, जब तक कि कैमरून ग्रीन और एलेक्स कैरी बचाव में नहीं आए। दोनों हिटरों ने अर्धशतक जमाए और छठे विकेट की साझेदारी में 158 रन जोड़े। खेल में न्यूजीलैंड ने तीन विकेट की वापसी का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हरा और एडम जंपा की तंगी के कारण जीत हासिल की। दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 195/9 पर सीमित कर दिया। मैट हेनरी द्वारा दोनों सलामी बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने के बाद ट्रेंट बाउल्ट ने ऑस्ट्रेलिया को चौका लगाकर चौंका दिया। मिशेल स्टॉक, एडम जंपा और जोश हेजलवुड के निचले क्रम के योगदान से पहले उन्हें एक अच्छे कुल में मदद मिली। आगंतुक एक चरण 117/8 पर थे। प्रतिक्रिया में स्टॉक और सीन एबॉट ने जल्दी से न्यूजीलैंड को पछाड़ दिया। जंपा के कप्तान को पकड़ने से पहले डैरिल मिशेल और केन विलियमसन ने एक साझेदारी बनाई। लैगी ने अपने बाद के ओवर में दूसरे सेट के बल्लेबाज को नॉकआउट कर दिया और ब्लैक कैप्स ने 38 रन पर अपना आधा हिस्सा गंवा दिया। आगंतुक 82 रन पर आउट हो गए, 113 रनों से हार गए, क्योंकि निचले क्रम ने कोई लड़ाई नहीं दी।